कैमरे की नजर आइसक्रीम के लिए रखी गई मटेरियल पर पड़ी, जहां मक्खियों की भरमार थी। नंदलाल वहीं बीड़ी के सुट्टे लगाने में मशगूल था। तो क्या नाम है आपका? बीड़ी पीने के बाद नंदलाल ने हमें फैक्ट्री में तैयार कुल्फी दिखाई। कौन सा है? अच्छा। तो इसी दौरान हमारे कैमरे की नजर फैक्ट्री के भीतर आराम करते एक कुत्ते पर पड़ी। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, जहां डस्टबिन के ऊपर रखकर आइसक्रीम तैयार हो रहा है और फिर आइसक्रीम के सांचे को जमीन पर रख दिया गया। ये सब देखकर कुत्ते को भी आइसक्रीम खाने की सूझी और वो भी मजे लेने लगा। इसके बाद हमने गंदे पानी में आइसक्रीम को जमते देखा। ठंडी हो जाएगी। पानी को देखकर समझना मुश्किल नहीं था कि इसे महीनों से नहीं बदला गया है। आइसक्रीम बनाने के लिए आपको दिल्ली की ही तरह यहाँ भी नकली रंगों का इस्तेमाल दिख जाएगा। तो दूध की जगह घटिया मिल्क पाउडर भी, जिसके पैकेट पर ना तो किसी ब्रांड का नाम है और ना ही पता। डॉक्टर अग्रवाल, जिस आइसक्रीम की तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं, जो तरीका हमने दिखाया, इंसान क्या कुत्ता भी वहां पर आइसक्रीम खाता हुआ एक साथ दिखाई दे रहा था, गंदगी की इंतहा वहां पर दिखाई दे रही थी, क्या इस तरह की चीजें, ये पहली बार नहीं है जो कि हम इसे दिखा रहे हैं, ऐसी रिपोर्टें हमेशा आती रहती हैं, क्या कभी नकेल लग सकती है? क्या लोग अपने आप को बचा सकते हैं इससे होने वाले नुकसान से? सी अनफॉर्चुनेटली जो खाने वाला है उसको पता नहीं लगेगा कि ये नॉर्मल आइसक्रीम है कि गटर आइसक्रीम है। मेडिकली हम इनको गटर आइसक्रीम बोलते हैं। ये टर्म लंदन में आई थी, जहाँ पे इसी प्रकार का एक स्टिंग ऑपरेशन में पता लगा था कि गटर के पानी से लोग आइसक्रीम को बना रहे हैं। तो आम आदमी को तो पता लगेगा नहीं, तो ये तो एक रेगुलेटरी बॉडी का काम है कि इस पे एक्शन ले। जो हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसका काम है कि ऐसे केसेस को सख्त से सख्त सजा दे, क्योंकि इससे बीमारियां फैलेंगी। आइसक्रीम इज इन द टॉप 10 ईटेबल आइटम जिनसे बीमारियां फैलती हैं। आइसक्रीम इज वन ऑफ देम। लोगों के मन में एक भ्रम है कि जो चीज को हमने आइस कोल्ड बना दिया उससे बीमारियां नहीं फैलती, लेकिन गंदे पानी से आइस, गंदे पानी से आइस की चुस्की जो लोग रास्ते में खाते हैं जी, गंदे पानी से आइसक्रीम जी, गलत दूध के साथ में आपको टीबी फैल सकता है, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस फैल सकती है, अनपॉस्चराइज मिल्क को तो बीमारियां फैल सकती हैं, मक्खियों के बनबनाने से टाइफाइड, साल्मोनेला का डायरिया, ये बीमारियां फैल सकती है, और उस आसपास जो लोगों की जो गंदगी है उससे दुनिया भर की हमारी जो बीमारियां हैं वो टाइफाइड हो, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो जॉन्डिस हो, वो फैल सकता है। ये सरकार की ड्यूटी है। आज हम बात कर रहे हैं बजट के आने की, सब लोग बात कर रहे हैं कि इस 10 तारीख को जो हमारे माननीय जो अरुण जेटली जी बजट लेकर आए हैं उसमें हेल्थ के बारे में बढ़ाया जाए। मेरा ये मानना है कि हेल्थ के बजट को तो बढ़ाओ, लेकिन साथ में अगर आप आम आदमी को साफ पानी, साफ आइसक्रीम, हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स, हेल्दी वेजिटेबल्स और सीवेज डिस्पोजल को दे सकते हो, तो आपको आधी बीमारियां तो वहीं की वहीं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आप उठा रहे हैं। जो सड़क पे जा रहा है, जिसको आइसक्रीम खाने का शौक है, एक बच्चे को, वो एक आइसक्रीम खाता है और टाइफाइड लेके आ जाता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आप उठा रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है और इसी से पता उठाना चाहते हैं। आखिरकार हमारे देश में ये गोरखधंधा कब तक चलता रहेगा डॉक्टर साहब? जब तक रेगुलेशन स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक एक्शन नहीं होगा। ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं लेकिन एक्शन नहीं होता, एक महीने बाद में वो धंधा दोबारा स्टार्ट हो जाता है। नकली दवाइयां, नकली फल, नकली आइसक्रीम, नकली डॉक्टर्स, इनके ऊपर में जब तक रेगुलेशन स्ट्रांग नहीं होंगे, एक्शंस नहीं होंगे, ये बीमारियां ऐसे ही चलती रहेंगी। हमारे देश का जो बजट है तो बीमारियों के बदले में प्रिवेंशन, अगर आप रेगुलेशन जी सिस्टम को कंट्रोल करें और लोगों को इस प्रकार के घंगलेबाजी से बचाएं तो बीमारियां होंगी ही नहीं। हमारी कंट्री में ज्यादातर लोग जो हैं वो डायरिया से मरते हैं, टाइफाइड से मरते हैं, जॉन्डिस से मरते हैं, ये लोग नहीं मरेंगे अगर आप इस प्रकार के रेगुलेशंस को कंट्रोल करें। लोगों में एजुकेशन की जरूरत है और रेगुलेशन की जरूरत है डॉक्टर साहब। इसमें एक महत्वपूर्ण को सड़क पे जी एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो जिस तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां आम होना चाहिए वहां केमिकल है,
जहां पर केला होना चाहिए शेक में दूध के साथ, वहां पर केमिकल है। इस तरह के केमिकल के खाने से और उसका सेवन करने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या वाकई में ये जानलेवा साबित हो सकती है? मैं सारी बीमारियां बता देता हूं जी, मैं सारी बीमारियां बता देता हूं। गंदा पानी होगा, गंदे पानी से आपको डायरिया, जॉन्डिस और टाइफाइड की बीमारियां होंगी। अगर आपका कलरिंग एजेंट गलत होगा तो उससे एलर्जी, अस्थमा, कैंसर हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर में। अगर आप केमिकल्स का इस्तेमाल करते हो तो उससे पेट खराब हो सकता है, आगे जाके लोगों जिनको एलर्जी हो सकती है, आगे जाके कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। दूध में खराबी है, अगर आपका दूध नकली है तो बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस और बहुत सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरियल वायरल बीमारियां हैं जो खाना खाने से, गंदे खाना खाने से होती हैं। सो ये सारी बीमारियां लोगों को हो सकती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें स्लो पॉइजन्स भी होते हैं जो लोगों को पता नहीं लगते, और पता लगता है कि गंदा खाना खाने से लॉन्ग टर्म में जाके उनको बीमारियां होती हैं। भारत में इस वक्त में कैंसर बढ़ रहा है, भारत में इस वक्त में कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ रही हैं। ये सब के सब जो हैं, इसका बचाव जो है उसके लिए हमारा रेगुलेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम अपने तमाम तथाकथित तौर पर कानून के अमल पे ध्यान नहीं देंगे तो यही स्थिति बनी रहेगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।